कर दी। बंद करो, बंद करो। हम इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम मजबूर हो जाते हैं इस पे, वरना आप देखते होंगे कि जो ताजरान है वो भी करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन अक्सर आप देखते हैं लोग अपने हक के लिए नाराबाजी लगाते हैं। कमतेर आपने देखा होगा कि वो ऐसी चीज़ पे निकलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 2009 से लेके अभी तक अगर हम निकलते हैं तो हम यही निकलते हैं, ख्वाजा सरा का रेप हुआ, ख्वाजा सरा का ओपन वीडियो बन गया, ख्वाजा सरा को जिल्ला बदर कर रहे हैं, ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ, ख्वाजा सरा से बत्ता लिया गया, ख्वाजा सरा के साथ जो है ना इंसाफी हुई, ख्वाजा सरा के घर पे अब चढ़ते हैं। पहले तो फंक्शन से उतार दिया जाता था, वो फंक्शन से आता था और फंक्शन से उतार के उससे पैसे भी लिया जाता था, उसका रेप भी किया जाता था। लेकिन अभी उनका जो है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन मतलब यह कि अगर मैं शेयर करूँ तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, मुझे सिक्योरिटी कौन देगा? मैं नाम भी लेती हूँ जो यहाँ से लेके डेरिस मिल खान तक एक गैंग बने, जो बत्ती भी लेते हैं, जो ओपन वीडियो भी बनाते हैं, और वो ओपन वीडियो से कितना बड़ा जुल्म शुरू हुआ कि उनका माँ बाप उनके गैरत के नाम पे जो है अपने ख्वाजा सरा बेटे को या बेटी को कत्ल कर देते हैं, क्योंकि उनका ओपन वीडियो देख लेते हैं, उसका रेप का वीडियो देख लेते हैं, उनको नंगा जो है वो नचवाते हैं, उनका नंगा वीडियो जो है वो हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ का पुलिस जब भी हमारे ख्वाजा सा, हम पुलिस के खिलाफ भी है और हम उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं, पूरा माशरा ऐसा नहीं, अगर पूरा माशरा ख़राब होता तो आज हम इस जगह पे ना होते, आज आप लोग हमारे सामने खड़े नहीं होते, ना हम होते, ठीक है। माशरे में कुछ गंदे लोग हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बदनाम किया, पख्तून को बदनाम किया, जिन्होंने छोटी बच्चियों का चे माँ की बच्ची का इज्जत लूटा, उसको जो है टुकड़े टुकड़े किया, जिसको जो है ख्वाजा सरा को बहासत टुकड़े किया, जिसने जो है हमारे बहन बेटियों को और बच्चियों को और माओं को और ज़मीनों पर कब्जा, और हमारे पुलिस, मैं साफ आज कह रही हूँ कि हमारा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, किसी को भी हिफाजत देने में, ख्वाजा सरा को तो हिफाजत दिया नहीं किसी जगह में भी, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कि मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान का ख्वाजा सरा से आप सुनेंगे तो वो तब खुशी का इजहार करेंगे जब उनको कोई नौकरी मिलेंगी, लेकिन नौकरी मिलती भी ख्वाजा सरा जो है वहाँ बीजत होते दोस्त थे का ना ख्वाजा सरा आलम नु मिदें अगला पेहर कसान अगोल धमकियान और कई छे उस्ताद सर मंगा दा कवा वो बदी दा धमकियान और आए बारे के मंगा फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस को ना दा खुशी दा और जमंग बदीरी बंदे अमले शी तो हमाल दाए कसान नमून नाराजी आओ जमंग चिकम मशर थे का ना आगत दाए नमून पत आ कसान पत आओ आओ जमंग बदेरी बंदे अमले शो दा ददी मिंगोरी दी दादी स्वाति मिंगोरी बदी के खुद मर्दान रागली आओ दुनीर रागली आओ द स्वाति बस दख कही थी जाओ जी न बकोनो जाओ न बवो नो बस इंसाफ बगवाड़ू।